की एक्सयूवी 3XO, ठीक है। इस 3XO का कौन सा वेरिएंट रहने वाला भैया? ये बेस मॉडल है भैया, बेस वेरिएंट है। बेस मॉडल में हमने क्या क्या चीजें लगाई हैं वो जरा एक एक करके आप हमारे व्यूअर्स को दिखाना शुरू करो। जैसे कि आपको दिखाना चाहता हूँ बेस मॉडल, ये 3XO IV अंबाला से काम होने के लिए। ओके भैया, की तीसरी गाड़ी है मेरे पास ये। अच्छा, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले फ्रंट की, ठीक है। तो फ्रंट में इसके अंदर फॉग लाइट और फॉग लाइट के अंदर LED लगा दिया गया है, ठीक है। हेडलाइट के अंदर LED इंस्टॉल कर दिया गया है। कितने वॉट की ये भैया? 140 वॉट की। 140 वॉट की है? हाँ ये ओके। 140 वॉट की है, बट ये 140 वॉट की जेन्युइन है। अच्छा भैया एक बात, 140 कैसे होता है? मतलब 70 और 70 ऐसे होता है क्या? जी ओके, 70 वॉट इस तरफ 70 वॉट उस तरफ। हाँ जी ओके। लेकिन मार्केट में अगर आपको किसी ने 140 वॉट बोला तो कहेगा भैया कि एक बल्ब 140 वाट की है। अच्छा, बट ऐसा होता नहीं, मतलब स्कैम, वहाँ पे भी स्कैम है। हाँ जी वहाँ भी स्कैम, मतलब स्कैम तो हर जगह ही है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की। ओके, तो साइड से आपको दिखाना चाहते, उसमें बिल कवर इंस्टॉल कर दिया है। ओके, मड फ्लैप लगा दिया है जो कि बेस मॉडल है, मड फ्लैप भी लग के नहीं आता है, नहीं आता है। उसके बाद 360 कैमरा इंस्टॉल कर दिया इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो रूफ पे आपको दिखाना चाहते, रूफ रेल लगा दिया है टॉप पे, ठीक है। उसके बाद एक डोर गार्ड इंस्टॉल कर दिया है। एक सेकंड मैं थोड़ा यहाँ पे पैटर्न दिखा दूँ इसका, ये देख सकते हो। तो डायमंड पैटर्न वाला जो अपने रूफ रेल है वो यहाँ पर अलग इंस्टॉल कर दिया। हाँ जी ठीक है। उसके बाद डोर गार्ड लगा दिया है, ठीक है। पीछे आपको दिखाना चाहता हूँ ग्लॉसी ही स्पॉइलर इसके ऊपर हमने लगा दिया है, ठीक है। तो ग्लॉसी स्पॉइलर भी यहाँ पर लग गया है, ये देख सकते हो। और कंट्रास्ट में जा रहा है ना, तो जैसे अपना रूफ रेल उसका बिल्कुल ये मैच होता है जी, और व्हाइट गाड़ी तो वैसे अच्छा लग उसके रहा है। बाद हमारे दिलीप जी आप देख रहे होंगे छत पे सार्फिन एंटीना इंस्टॉल कर रहे हैं, ये देखो, ठीक है। तो अभी इंस्टॉल हो रहा है, चलो कोई नहीं है, हम बाद में एक शॉट दिखाएंगे आपको। लेकिन भाई यहाँ पर जो है ना वो सार्फिन एंटीना अपना पीछे रिफ्लेक्टर इंस्टॉल कर दिए। रिफ्लेक्टर इसका काफी अलग है और मैट्रिक्स वाला है जो कि आपकी ब्रेक पार्किंग इंडिकेटर पे वर्किंग रहने वाला। एक बार वर्किंग दिखा दो ना। हाँ जी आपको बिल्कुल दिखाते हैं, ठीक है। जैसे भैया ने बोला है 2-3 फंक्शन इसमें हैं, तो ये सारा कुछ अभी देख लेते हैं। ये देखो ये पार्किंग है, ओके। मैट्रिक्स में रहने वाली है राइट भैया? जी मैट्रिक्स में रहने वाला है। और ब्रेक पे भी काम करेगी? ब्रेक पे भी काम करेगा और इंडिकेटर भी है, पार्किंग पे भी है, इस पे आपकी वर्किंग रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं रियर प्रोफाइल की। तो सबसे पहले भैया की ख्वाहिश था, भैया की बच्चे ख्वाहिश था कि कार के पीछे हमारे को कनेक्टेड टेल लाइट लगानी चाहिए, जो कि कंपनी से ओरिजिनली नहीं आती है जी, है ना। एक डमी वो दे देते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसका डमी पार्ट आता है, जो कंपनी से डमी लग के आता है अपने पास, ये कंपनी इसके अंदर उसके साथ ही रख के दिखाओ। ये कंपनी का डमी पीस होता है जो कंपनी इसको इंस्टॉल कर देता है इसके ऊपर, ठीक है। इस डमी पीस को हमने रिमूव कर दिया है और इसके अंदर जेन्युइन कनेक्टेड टेल लाइट इंस्टॉल कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो ये भी जेन्युइन महिंद्रा का रहने वाला है, जेन्युइन महिंद्रा का है, ठीक है। उसके बाद ये डमी है, किसी काम का नहीं होता है, ठीक है। तो हमने इसको रिमूव किया है और जेन्युइन कनेक्टेड टेल लाइट इंस्टॉल कर दिया है। उसके बाद बात कर लेते हैं कार के इंटीरियर की, ठीक है। तो इंटीरियर में आपको हम बताना चाहते हैं कि इंटीरियर के अंदर इसके अंदर क्या क्या इंस्टॉल किया है। तो जैसे कि आपको मैं बताना चाहता था, बात कर लेते हैं 3XO के इंटीरियर की। तो आपको इंटीरियर में दिखाना चाहता हूँ कि सबसे पहले 11.8 इंचेस का 360 कैमरा और एंड्रॉयड सिस्टम लगा दिया, एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले है, ओके। 11.8 इंचेस रहने वाला है जिसकी वारंटी 1 साल की होती है, ओके। उसके बाद इस पे स्टीयरिंग कवर डबल कलर रैप कर दिया है, मून डिजाइन, ठीक है। और ये कंट्रोल भी लगाया हमने, स्टीयरिंग कंट्रोल लगा दिया हमने, ओके। स्टीयरिंग कंट्रोल लगाने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके ऊपर 3 सीट कवर के फिटिंग क्वालिटी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल थाई सपोर्ट के साथ सीट कवर रहने वाला है। क्या बात है, एक सेकंड रुक जाओ जरा, हम इसको अपना वाइड एंगल में और दिखा दें। ये आप देख सकते हो गाड़ी की खूबसूरती और इंटीरियर किस हिसाब से किया हुआ सीट कवर्स का। लाइक जैसे कि जो गाड़ी की जो थीम है ना बेज एंड ब्लैक, तो सेम उसी में अपनी जो सीट कवर है ये भी रहने सेम ऐसे ही रहेगा। भैया ये कलर कौन सा होता है? इसको आइस ग्रे बोलते हैं ना भैया, आइस ग्रे बोलते हैं, जो कि भैया का थीम था कि नीचे मेरे को इंटीरियर कलर ही चाहिए। भैया का तो चॉइस था कि मेरे को टैन ब्लैक चाहिए, बट मैंने भैया को बताया भैया टैन ब्लैक के लिए आपको इंटीरियर भी चेंज कराना पड़ेगा, तो इंटीरियर करने का बेनिफिट नहीं है। तो फिर मैंने भैया को सीट पे सीट की पीस रख के दिखाया है, ठीक है। तो भैया को सीट कवर पसंद आया और मैंने सीट कवर लगा दो गाड़ी के। बहुत बढ़िया,
अच्छा इसके ऊपर ये लगा लगाया था या हमने लगाया आर्मरेस्ट के ऊपर? नहीं, ये आर्मरेस्ट पे तो कंपनी से लग गया है, कंपनी से लग गया है। ये कंपनी से ठीक है, मतलब वहाँ नहीं था, बाकी तो कपड़े की सीट्स होती हैं, कपड़े की सीट रिमूव करके भैया ने यहाँ पर बहुत ही शानदार सी सीट कवर जो वो लगा दिए हैं। स्टिचिंग का काम आप यहाँ से देख सकते हो किस तरह का है, बकेट में रहने वाली है। उसके बाद नीचे आपको दिखाना चाहता हूँ, फ्लोरिंग कर दिया, कोकोडाई वाली फ्लोरिंग कर दिया है। ठीक है, एक इसमें नॉर्मल भी आता है, कोकोडाई वाली फ्लोरिंग है। मैट जो गाड़ी के अंदर डला हुआ है, मैट भैया पहले से ही कंपनी से डलवा के लाए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैट भैया डलवा के मैं कह दूं भैया मैंने डाला है, ऐसा कुछ नहीं है, मैट कंपनी का डला हुआ है। ओके, वो भैया ने अपने आप डलवाया कहीं तो बाहर से? ये सारा काम इस कार के अंदर हुआ है। ठीक है, वेलकम लाइट आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके अंदर वेलकम लाइट इंस्टॉल कर दिया है। ओके, ये स्टिकर है इसके ऊपर, वो भी मैं हटा के दिखाता हूँ। वो ग्रे खाकी कलर की स्टिकर लगा हुआ है, ये स्टिकर जो आप स्टिकर हटाएंगे तो प्रॉपर व्यू इसके अंदर से आएगा, लाइट पे ब्लू कलर के अंदर लाइट रहने वाला है। बहुत टाइम लगता है उसको हटाने में। आपको इधर दिखा देते हैं ना, आप इधर दे दीजिए ना, इधर हटा हुआ है, ये लो आप ही दिखाओ जरा एक बार। ये वेलकम लाइट है जो कि 300 का प्रॉपर रहने वाला है, वेलकम लाइट। ठीक है, तो ये वेलकम लाइट इंस्टॉल कर दिया है। ओके, उसके बाद जैसे कि इसके अंदर कुछ काम रह जाते हैं, जैसे कि मैं आपकी तरफ से आके दिखाना चाहता हूँ, आ जाओ, कि इसके अंदर क्या काम बच गया है। कुछ काम बच गया है भैया, करें नेक्स्ट टाइम के लिए सही। ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे भैया। जैसे कि हम बात कर लेते हैं लोअर गार्निश की। ओके, इसकी लोअर गार्निश अपने पास है, हैंडल क्रोम एंड डोर वाइजर। ओके, डोर जो है डैम्पिंग करा सकते हैं आप नॉइस और साउंड के लिए। इसके अंदर एम्बियंट लाइट लगता है, डोर के अंदर एम्बियंट लाइट आता है जो कि भैया ने इंस्टॉल नहीं करवाए हैं। इसके अंदर एम्बियंट लाइट आता है डैशबोर्ड पे और डोर्स पे, मतलब 10 पीस भी आता है, 6 पीस भी आता है, 18 पीस भी आता है। तो आपके ऊपर है कि आप कौन से लगाना चाहते हैं, 10 पीस, 18 पीस, 6 पीस, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, और तो, अपना ऑटो फोल्ड मिरर का भी ऑप्शन होता है। हाँ, ऑटो फोल्ड मिरर का ऑप्शन होता है। तो बात कर लेते हैं प्राइस की, तो जैसे कि आपको पता है कि मैं अपना हर वीडियो के अंदर प्राइस तो डालता ही हूँ, तो 3XO की एक बार मैं प्राइस डालना चाहता हूँ, पहले ही भी डाला था, दोबारा से फिर एक बार डालना चाहता हूँ। तो जैसे कि ये रूफ लगाया है, एक सेकंड, यानी कि हम अपने वीडियो में वापस हम धमाका मचा रहे हैं। यस, सिस्टम हैंग कर दोगे इसका? बिल्कुल है, बिल्कुल। प्राइस क्या कर दिया? सिस्टम हैंग कर दिया। लो भाई, तो प्राइस के साथ अब आप देख लो, अब एक्सक्लूसिव होने जा रही है। बात कर लेते हैं जो अपना हमने लगाया है इसके ऊपर रूफ रेल, ये 2000 रुपये के रहने वाले हैं। जो स्पॉलर लगाया है 2000 रुपये के रहने वाला है। जो कनेक्टेड टेल लाइट लगाया है, कनेक्टेड टेल लाइट बिट फिटिंग ओरिजिनल जेन्युइन महिंद्रा की है, ये 7,750 रुपये का रहने वाला है। रिफ्लेक्टर जो लगाया है, रिफ्लेक्टर 3200 रुपये की है फिटिंग के साथ। उसके बाद बात कर लेते हैं डोर गार्ड, तो नॉर्मल सा आइटम है, 2-300 का आइटम होता है। जो रेन वाइजर्स का आता है क्रोम लाइनिंग वाला, वो अपना 950 का है और 1250 रुपये का है। लोअर गार्डन जो इसका आता है वो 900 रुपये की है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो इसके अंदर वेलकम लाइट हमने लगाया है, वेलकम लाइट 1000 रुपये की रहने वाला है। उसके बाद जो नीचे फ्लोरिंग की है कोकोडाई वाली, 2000 रुपये की है। जो सीट कवर लगाया थाई सपोर्ट के साथ, सीट कवर स्किन टाइट फिट सीट कवर इसके अंदर इंस्टॉल किया है हमने, इसकी प्राइस रहने वाला है अपना 6,500 रुपये। 6,500? हाँ जी। उसके बाद बात कर लेते हैं स्टेयरिंग कवर जो रैप किया है जेन्युइन डोयल कलर में, जिसकी प्राइस रहने वाला है 1000 रुपये। स्टेयरिंग कंट्रोल जो लगाया है, इसकी प्राइस रहने वाला है 3500 रुपये। ठीक है, जो डायमंड के साथ 4/64 एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले 360 इसके अंदर इंस्टॉल किया है, इसकी प्राइस रहने वाला है 20,500 रुपये 11.8 इंचेस के अंदर, जिसकी वारंटी गारंटी 1 साल होता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं फॉग लाइट और हेडलाइट की LED की। तो जैसे कि इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि हेडलाइट के अंदर और फॉग लाइट के अंदर जो हमने LED इंस्टॉल किया है, इसकी प्राइस रहने वाले हैं 2000 और 2000, 4000 के अंदर दोनों आपकी हेडलाइट की LED मिल जाता है। फॉग लाइट की बात कर लेते हैं, तो फॉग लाइट रिले वायरिंग के साथ फिटिंग करके कॉस्ट आता है जेन्युइन, जैसे कि कंपनी से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसका कॉस्ट आता है इसका 4500 रुपये। 4500 जी। तो है, जैसे कि एम्बियंट लाइट हम इसके अंदर लगाते हैं, 6 पीस वाला 3500 रुपये की है, और 10 पीस वाला 4000 की है, और 18 पीस वाला 5500 की है। ग्रेट। तो ये सारा काम इस कार के अंदर हुआ है भैया के बजट के हिसाब से, और अंबाला से आए थे काम कराने के लिए। सुबह भैया का 9 बजे मुझे कॉल आ चुका था, मैं 10 बजे 9:30 में शॉप पे आया हूँ। तो जैसे मैं 9:30 शॉप पे विजिट किया हूँ, इतने भैया हमारे पास आ गए हैं और इनकी गाड़ी जो है बिल्कुल तैयार खड़ी है। तो अब बात कर लेते हैं हम अपने 3XO की ओनर से, धर्मेंद्र वर्मा फ्रॉम पानीपत। तरुण शर्मा फ्रॉम अंबालागंज। ओके, तो सर यहाँ पर आप अपनी गाड़ी लेकर आए, इतनी दूर से आए, काफी डिस्टेंस पड़ जाता है वैसे, कितना सर? एक्चुअली चक्कर क्या है, हम 2-3 गाड़ियाँ पहले भी यहाँ से कराई हैं। अच्छा। इंडियन ऑटो एसेसरी से जी, सबने बताया कि A1 यहाँ काम होता है। ओके, एसेसरी का तो आपने वैसे दूसरी का तो कहीं ना कहीं ट्राई किया होगा? नहीं, कहीं नहीं ट्राई किया, बस हमने
डायरेक्ट आए, क्योंकि हमने दो तीन गाड़ियां पहले कराई थी, सबने बोला कि हाँ। ये बेस्ट है यहाँ पे दिल्ली बहुत में बढ़िया। तो सर इनका आपको बेस्ट लगा नहीं लगा? अब बेस्ट तो लगा ही लगा, अब चला के देखेंगे वैसे, लेकिन अभी तक जितना है बेस्ट लगा सब कुछ। ओके, तो सर अगर 10 में से कुछ नंबर मांगू इस काम के लिए तो आप लोग कितना नंबर दोगे? और सर प्राइस में कैसे लगे ये? प्राइस में बिल्कुल जेन्युइन प्राइस है, प्राइस जेन्युइन लगे आप लोगों को? बिल्कुल जेन्युइन प्राइस। सर हमने तो 3 दिन 4 दिन पहले फोन करने शुरू कर दिया था भैया को कि भैया गाड़ी में काम कराना है और आना है आपके पास, तो भैया बोले भैया आ जाओ। हमने बोला भैया फेस्टिवल है, भैया बोले कोई टेंशन नहीं है, भैया ये सामान चाहिए गाड़ी का, भैया बोले कोई टेंशन नहीं है अब आ जाओ। दिल्ली के नंबर वन है इस टाइम, ये ऑल ओवर जो पूरे दिल्ली में रोला बढ़ रहा है कि इंडियन ऑटो एक्सेसरीज नंबर वन है पूरे दिल्ली में, करोल बाग में। बहुत बढ़िया, देख लो भैया आपको पूरी रेटिंग मिली है इस बारी भी, और यहाँ पर हमने सिस्टम हैंग कर दिया फिर से प्राइस का। मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पहले भी आप मेरे साथ जुड़े हुए थे और फिर आज सेकंड टाइम आप मेरे साथ जुड़ने आए हो। थर्ड टाइम? नहीं, मैं क्रिश भाई की बात करता हूँ। नहीं मैं अभी थोड़े से बीच में थोड़े से दूरियाँ हो गई थी हम दोनों, ऐसी कोई दूरी नहीं थी बस ठीक है। तो जैसे कि फिर मेरे साथ जुड़े हैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं हर बार बताता ही हूँ और आज भी बताना चाहता हूँ कि काम और क्वालिटी को नंबर मिलता है, बिल्कुल कटिंग को नंबर नहीं मिलता। बिल्कुल कटिंग को नंबर नहीं मिलता, कटिंग की जरूरत ही नहीं है अपने पास, यहाँ पर आ सकते हो आराम से ना काम करो। कटिंग करना चाहूँ तो मैं भी कटिंग करने के लिए मतलब शॉप खोल के बैठा हूँ, तो कटिंग करना मैं भी जानता हूँ। बिल्कुल सही बात, बट कटिंग जो वाला काम होता है ना एक बार होता है, बार बार नहीं, बार बार नहीं होता, वरना ऐसे कस्टमर बार बार नहीं आएंगे। अभी अगर चौथी बारी आ रहे हैं, भाई के साथ कटिंग किया होता क्लैप क्लैप तो भाई मेरे पास तीसरी गाड़ी लेके नहीं आते। वाह सही बात है, तो देखो सर भी खुश होकर के जा रहे हैं। अब वो वाला सवाल पूछूं, काम और क्वालिटी मैंने भाई को करके दिया है ना, काम और क्वालिटी भाई को मेरे पास लेके आया है, सही है, मेरा फेस लेके नहीं आया। सही बात है, काम लेकर के आता है वापस, अगर रिपीट कस्टमर हो रहे हैं तो उसका मतलब है कि इनका काम अच्छा है। पता क्यों आया था? एक सेकंड माइक दे दीजिए मुझे। हाँ बताइए। मैं इनके पास सिर्फ अपने गाड़ी का सीट कवर चेंज कराने के लिए आया था। अच्छा, लेकिन जो इनकी डीलिंग थी और जिनका जो व्यवहार था जो कुछ भी था, मैंने अपनी गाड़ी के अंदर 6 काम एक्स्ट्रा कराए उस टाइम। अच्छा, और उसके अलावा हम अपनी दूसरी गाड़ी के लिए हैरियर के लिए इनसे सामान एक्स्ट्रा परचेज करके लेके गए थे, लेकिन हमें दुखा। अच्छा, क्यों? जो लेबर इन्होंने हमसे चार्ज की थी उस टाइम पे, वो हमें गुड़गांव में जाके उसका 3 गुना देना पड़ा। ये तो है ही ना। सामान हम इनसे लेके गए थे, फिटिंग हमने वहाँ कराई थी, लेकिन उसका 3 गुना हमें वहाँ देना पड़ा था। तो बहुत दुखा था हमें कि इससे ऐसा तो गाड़ी वहाँ लेके चले जाते, वो ठीक था कि भैया वहाँ का ओके करके देते हमें। सर देखो क्या है ना कि हमारी तो वीडियो पहले बहुत अच्छी आ रही थी, सारी आ रही थी, और एक्चुअली लोग भी पसंद इसीलिए कर रहे थे क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, प्राइस हमने खोला मार्केट में, किसी से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया, कम मार्जिन में भैया ने अपने यहाँ पर अच्छा काम किया, तो इसलिए इनके जो सारे कस्टमर्स हैं वो रिपीट कस्टमर हो रहे हैं, बार बार आते हैं, अपनी एक गाड़ी नहीं दूसरी गाड़ी नहीं तीसरी चौथी गाड़ी ले लेकर के आते हैं। तो रीज़न यही है कि इनका काम जो है वो बहुत जेन्युइन है। एक्स्ट्रा पैसे ये लेने को तो ले सकते हैं जैसे भी भैया ने बताया, बट ऐसा इनका कोई नियत नहीं रहती है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे ले लूँ या किसी को काट दिया जाए, ऐसा नहीं है। काम ऐसा करो कि देखो दोनों का काम चलना चाहिए, कस्टमर का भी और शॉप ओनर का भी। सर का बिल हो चुका है क्या? हाँ बिल ऑलमोस्ट भैया का फाइनल हो ही गया था, कुछ सामान एक्स्ट्रा लगा है तो समथिंग 75 के आसपास, 75 के आसपास के सारा टोटल काम है। ठीक है, तो अब इसी के साथ इस पिक्चर को डी एंड करते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। अभी देख लो अभी क्या है ना, वीडियो तो एंड कर ही रहे हैं, बस छोटे छोटे एक दो काम आपको और करने, क्या करना है, अगर यहाँ तक ये वीडियो देखिए तो लाइक कर देना पसंद आई हो तो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी डील्स मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। आपका कम बजट भी होगा ना फिर भी आपकी गाड़ी में अच्छा काम कराना हमारा मोटिव है, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। अगर आपको पसंद आया हो तो रिव्यू अच्छा लगा हो तो यहाँ जरूर आओ, काम कराओ इंडियन ऑटो एसेसरीज पे। फोन नंबर आपको मिल जाएगा, फोन नंबर भैया का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा, कोई भी क्वेरी होती है उनसे पूछ के डायरेक्ट यहाँ आ सकते हो। कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछने हो या कोई फीडबैक देना तो प्लीज़ वो कमेंट में ज़रूर देना।